राम राम, सत श्री अकाल सारे भाइयों ने। भाई आपके अपने YouTube चैनल सुखवीर डांडा डेयरी फार्म में आप सब भाइयों का स्वागत है। जो भी भाई चैनल से नए जुड़े हैं, वीडियो को देख पा रहे हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास में लगे घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को मिलता रहे। आज आप सब भाइयों को वीडियो में जो झोटी दिखाई दे रही है, ये नरेश बैनीवाल है भाई, गांव बूढ़ा खेड़ा से, जिनके पास सुल्तान बुल है। उनकी झोटी की मिल्किंग लगभग 10-12 दिन पहले हुई थी और उसकी चारों वीडियो है वो अपने चैनल पर डालेंगे। उस टाइम पे आपा टिकरी बॉर्डर पे थे, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जैसी भी सेवा बन रही थी सब हम वहाँ पे थे और नरेश भाई ने भी पहुँचना था उस टाइम पे। फिर लाइव मिल्किंग का विचार बनया तो लाइव मिल्किंग इन्होंने हरियाणा मुर्रा एसोसिएशन है जो अपना फेसबुक का ग्रुप है उसमें करवाई थी और उसकी साथ की साथ वीडियो भी बनवाई थी। भाई कल को वीडियो भी बनवा लियो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो टी अगर इसके बारे में बात करें, जो इसके नीचे बच्चा है जो कटड़ी को जन्म दिया हुआ है, इसने पहले ब्यांत में तो कटड़े को जन्म दिया था, जो रफ्तार नाम से जिसके सीमन बने हुए हैं आज मार्केट में आए हुए हैं। दूसरे ब्यांत का भी कटड़ा था और तीसरे ब्यांत में जो कटड़ी आपने अभी चूंघती हुई देखी, ये अपने चैंपियन गंगा बुल की है जी। और अगर झोटी की फादर लाइन के बारे में बात करें तो भाई कई पूछेंगे, कमेंट भी आएंगे, ये HLDB के 75-75 बुल की है भाई। और इसने पहले ब्यांत में भी अच्छा रिकॉर्ड करवाया था बे, और दूसरे ब्यांत में भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड करवाया था, 30 किलो 100 कुछ ग्राम। और अब इसका 31 किलो से शायद 24 ग्राम कम रह गया, 30 किलो 976 ग्राम दूध हुआ है। और अभी कुछ और बढ़ोतरी पे है भैंस, अगर कोई भाई देखना चाहे या नरेश भाई के पास जाना चाहे तो देख सकता है। दूध मेरे ख्याल में 32-32 किलो पे अभी चल रही है। और इसकी चारों की चारों वीडियो आप अपने इस पे चैनल पे डालेंगे। बस उधर किसान आंदोलन में होने करके भाई इसकी सारी मिल्किंग अपन लाइव नहीं दिखा सके, तो उसके बाद चलो मगर चारों मिल्किंग की वीडियो सब भाइयों के साथ शेयर करें। क्यों, कई भाई हरियाणा मुरा एसोसिएशन ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, जो बाहर से भाई हैं वो कम जुड़े होंगे, तो इस करके सब भाइयों के साथ शेयर करने की इच्छा हुई। तो इसकी चारों मिल्किंग आप वीडियो में देखेंगे। आज जो इसका खाली टाइम का दूध था उस टाइम पे थोड़ा ये भैंस लेट थी दूध में, तो इसने दूध का पूरा पीक अच्छा दिखाया। तो कई भाइयों का था कि भाई भैंस थोड़ा और ज़्यादा दूध देगी, तो भैंस ने 31 किलो तक ही रिकॉर्ड करवाया, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया दिया। देखो 28 किलो 30 किलो 25 किलो दूध बहुत है, फिर आगे की आगे चलता रहता भाई दूध की, वही बात है, कौन कहता कि भाई कम ना दे, तो सभी की उम्मीदें अच्छी होती हैं। तो ये नरेश भाई हैं जो चुआई कर रहे हैं, दोनों साइड में बैठ के चुआई की जा रही है, दोनों मानो जिस टाइम पे खाली की उस टाइम पे भी दो ही बंदों ने दूध निकाला था और आखिरी टाइम लग भी इसका दो ही बंदों ने निकाला। क्यों, कई बार पशु एक बंदे के बैठने से कम दूध देता है, या खाली करते वक्त एक बंदा निकाले या बाद में दो निकालें, तो इस तरह का सिस्टम नहीं है। तो भाई ने साफ सुथरी चुआई, इसमें चुआई में बेदलीपुरा भाई और बिलास जी जो अपने बुढ़ंगपुरम बाड़ा से हैं, जिनका 14-17-10 बुल आज इसमें इशार बुआइन में है, या गांव के और भी गणमान्य व्यक्ति थे, और भाई जीन साइड से भी कुछ भाई पहुंचे हुए थे। तो सब भाइयों ने इसकी मिल्किंग देखी और भाई नरेश भाई की हौसला अफजाई भी की। तो भैंस ने खाली होते वक्त लगभग लगभग 18 किलो के नज़दीक दूध दिया था भाई। तो उसके 3 टाइम के बाद की मिल्किंग मैं आप सब भाइयों के साथ शेयर करूंगा और अब लाइव को देखते रहें आप इस वीडियो को। और लास्ट में वीडियो तो को अंत तक जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई आपको पूरा वीडियो कैसी देखा। लगी। हाँ ना भाई, ना और किस तरह देख,
बताओ चेक कर दिए करके दूर बैठो ना ना फिर भी देख ले करके और बिलास चेक करा के दार कैंडल चेहरा भी देखना चाहिए जल्दी निकल भी ਮੰਦਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਹੋਰ ਕਾਢਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਾਢਦਾ ਵਾ ਕਾਢਣੀ ਔਰ ਇਸ਼ਾ ਫੁੱਫਾ ਕੱਢਦਾ ਵੇ ਸੀ ਇਸ ਕੀ ਦੇ ਚੋ ਮਾਰੇ ਔਰ ਬਲੱਡ ਨਰਦਾਂ ਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਹੂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੋ ਤੂੰ ਥੜਾ ਨਾ ਪਾੜ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਬੈਠੇ ਲਗਾ ਕੁਰਸੀ ਠਾੜੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਸ ਦੇਖ ਬਾਲਟੀ ਪਿਛਾ ਲਾ ਲੈ ਸਾਰੇ ਦੇਖਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖਾ ਸਹੀ ਦੇਖਾ 4 ਕਿਲੋ 990 ਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ 990 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਲੋ ਪੂਰੀ 5 ਕਿਲੋ ਪੂਰੀ 5 6 10 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਇਹ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਬਲਟੀ ਦੇ ਬਲਟੀ ਕਿਹੜਾ ਬਲਟੀ ਦੇ ਖਲੇ ਜੀਰੋ ਕਰ ਦੇ ਗਏ ਜੀਰੋ ਕਰਵਾਦਾ ਹੂੰ ਸੈਟਲ ਅੰਦਰ ਜੀਰੋ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ ਇਸਕੋ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਆਰੋ ਤੋਂ ਪਾਓਗਾ ਲਿਖਿਆ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬਸ ਇਸਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀਰੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਨ 840 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀਰੋ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰੀ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਕੋਣ ਹੋਗਾ ਮਾਰਾ ਕਾ ਨਹੀਂ ਜਮੇ ਹਾਂ ਉਰਨ ਪੂਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਤਰਾਂ ਕਿਲੋ 940 ਗ੍ਰਾਮ ਕਮ ਦਿਖਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਲੈ 17 ਕਿਲੋ 955 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪੋ ਆਪ ਤੋਲ ਲਿਆ ਹਾਂ